हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टेक टू केयर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे रेडमी नोट 9 प्रो के टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। और गाइस, ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स है आपके रेडमी नोट 9 प्रो के लिए। आपका यूज़र एक्सपीरियंस जो है रेडमी नोट 9 प्रो का वो इन्हेंस हो जाएगा, आपको काफ़ी तरह के कस्टमाइजेशन पता हो जाएंगे और ये टिप्स एंड ट्रिक्स काफ़ी यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। और अगर आपके पास और भी कोई डिवाइसेस हैं तो वो भी यहाँ पर आप वर्क करेंगे, वो भी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो और भी सब डिवाइसेस में वर्क करेंगे। सो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब। लेट्स नाउ स्ट्रेट टू द वीडियो गाइस। सो गाइस, पहला टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारा वो है यहाँ पर डार्क मोड को लेकर। तो यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना है। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर सेटिंग में। सेटिंग यहाँ पर से इनेबल नहीं हो रहा तो मैं यहाँ से सेटिंग में चला जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में आपको ऑप्शन मिलेगा गाइस डार्क मोड का। डार्क मोड को आपको जस्ट इनेबल करना है। जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो देख सकते हैं आपका फ़ोन जो है वो यहाँ पर कम्प्लीटली डार्क हो गया। आपका नोटिफिकेशन पैनल वो भी डार्क हो गया है, डायलर वो भी डार्क हो गया, मैसेज ऐप वो भी डार्क हो गया है, और भी यहाँ पर थर्ड पार्टी ऐप वगैरह जो भी हैं वहाँ पर आपके डार्क हो जाएंगे। और यहाँ पर डिस्प्ले के डार्क मोड में जाएंगे और इसे जो है आप शेड्यूल भी कर सकते हैं किस समय से किस समय तक आपको चाहिए, किस समय टर्न ऑन हो। लाइक यहाँ पर मैं कर देता हूँ सुबह 7 बजे बंद हो जाए, रात को यहाँ पर 4 बजे तकरीबन ऑन हो जाए, रात को नहीं सुबह यहाँ पर 2 बजे 3 बजे तक यहाँ पर ऑन हो जाए। तो देख सकते हैं जैसे ही 3:56 होगा वैसे ही मेरा डार्क मोड इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स है, ज़रूर से ट्राई करिए अपने रेडमी नोट 9 प्रो में। सो गाइस, टिप नंबर 2 है हमारा वो है यहाँ पर आइकन साइज़ को लेकर। तो देख सकते हैं स्क्रीन जो है वो काफ़ी बड़ी है बट आइकन भी वहाँ पर काफ़ी बड़े हैं। यहाँ पर 4 ही आइकन आ रहे हैं सिर्फ एक रो में। तो देख सकते हैं एक रो में 4 ऐप आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको लॉन्ग टैप करना है रिसेंट में, यहाँ पर सिर्फ सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाएंगे यहाँ पर मोर में भी जा सकते हैं आप। मोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा होम स्क्रीन लेआउट। होम स्क्रीन लेआउट को जो है यहाँ पर आप 5x6 कर देंगे। तो जैसे ही आप 5x6 करेंगे तो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। ऐप जो है यहाँ पर आइकन साइज स्मॉल हो गए और ऊपर में आप देख सकते हैं 5 आइकन एक रो में आ रहे हैं। और ये जो ऐप वॉल्ट है यहाँ पर आप चाहे तो इसे डिसेबल कर सकते हैं। वही आपको रिसेंट ऐप में जाना होगा वापस से। रिसेंट में जाने के रिसेंट को प्रेस करने के बाद यहाँ पर मोर में जाइए। मोर में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप वॉल्ट से डिसेबल करना चाहें तो यहाँ पर ऐप वॉल्ट डिसेबल कर देंगे। अब आपका यहाँ पर जो ऐप वॉल्ट आता था लेफ्ट में वो अब यहाँ पर का ऐप वर्ल्ड जो है शो नहीं करेगा। और अब हम आ जाते हैं टिप नंबर 3 में गाइस। सो गाइस, टिप नंबर 3 हमारा वो है यहाँ पर पिक्चर रोटेट को लेकर। तो आप रोटेशन को जो है उसे लॉक करके ही आप अपने पिक्चर जो है उसे रोटेट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं मेरी पिक्चर जो है वो रोटेट नहीं हो रही क्योंकि मेरा रोटेशन जो है वो यहाँ पर लॉक्ड है। तो यहाँ पर आपको जेस्चर मिल जाता है एक, उस वजह से उसके जरिए यहाँ पर आप कर पाएंगे पिक्चर रोटेट। तो आपको कोई भी इमेज को रोटेट करना है आपका रोटेशन जो है वो लॉक रहे, जस्ट आपको कुछ इस तरीके से पिंच करना। और देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो पिक्चर है वो रोटेट हो गई है। आप जैसे चाहे वैसे यहाँ पर कर सकते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से आपको कुछ करना है तो आपकी पिक्चर जो है वो यहाँ पर रोटेट हो गई है बिना रोटेशन को अनलॉक किए। काफ़ी हैंडी फीचर है गाइस, ट्राई करिए अपने रेडमी नोट 9 प्रो में। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर टिप नंबर 4 की तरफ। सो गाइस, टिप नंबर 4 है हमारा वो है यहाँ पर फिंगरप्रिंट को लेकर। तो देख सकते हैं इस फ़ोन में जो फिंगरप्रिंट दिए गए वो पावर बटन में ही है। अब कुछ लोग सोचेंगे इसे प्रेस करें या फिर टच करें तो वहाँ पर वो लोग कन्फ्यूज़ हो गए। तो यहाँ पर मैं आपको उनको सेटिंग दिखा देता हूँ। जैसे ही आप अपना फिंगरप्रिंट रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद आप वापस से जाएंगे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में, फिंगरप्रिंट अनलॉक में। फिंगरप्रिंट अनलॉक में अपना पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन मेथड, यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक आपको प्रेस करना होगा, एक यहाँ पर आप टच करेंगे तो अनलॉक हो जाएगा। देख सकते हैं अभी मैं टच कर रहा हूँ, अनलॉक नहीं हो रहा फ़ोन। टच करने पर जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा फ़ोन जो है वो अनलॉक हो गया। जैसे ही मैं प्रेस कर रहा हूँ तो वहाँ पर मेरा फ़ोन अनलॉक हो जा रहा है। तो ये आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप दोनों में से एक ऑप्शन यूज़ कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ एक बार टच, टच करके दिखाता हूँ गाइस। तो देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही मैंने टच किया वो अनलॉक हो गया। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, या फिर टच या फिर प्रेस दोनों ही ऑप्शन आप चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं।
सकते हैं। और ये जो है वो काफ़ी फास्ट है गाइज, कोई ऐसा नहीं कि स्लो है, यहाँ पर साइड में है तो स्लो है ऐसा कोई बात नहीं है, बट ये थोड़ा सा हार्ड है रीच करने में, क्योंकि फ़ोन जो है साइज़ है वो यहाँ पर काफ़ी वाइड है, यहाँ पर काफ़ी चौड़ा फ़ोन है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको इसे यूज़ करने में। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर टिप नंबर 4 की तरफ। सो गाइज़ यहाँ पर हम आ जाते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। तो टिप नंबर 5 जो है वो है यहाँ पर हमारा वॉलपेपर कॉर्डसेल को लेकर। तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर आपको जो आइकन मिलेगा ये है वॉलपेपर कॉर्डसेल। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ अच्छे वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको ऐप्स में नहीं मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर आपको वॉलपेपर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर जब आप सेटिंग में जाएंगे इसकी, तो यहाँ पर मैं इसे अनलॉक कर लेता हूँ। यहाँ पर आप सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग में काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। सेटिंग में हमें देख सकते हैं टर्न ऑन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ गैलरी इमेज, गैलरी इमेज को भी आप कस्टमाइज़ कर पाएंगे, अपडेट वॉलपेपर यूजिंग मोबाइल डेटा वो भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप जो ग्लास का सेटिंग है, यहाँ पर कैटेगरीज वगैरह वो भी यहाँ पर आप कस्टमाइज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा फीचर है, आपके जो वॉलपेपर्स है लॉक स्क्रीन के वो यहाँ पर हमेशा चेंज होते रहेंगे। तो देख सकते हैं वॉलपेपर्स ऑटोमेटिकली आपके वाईफाई और फ़ोन के इंटरनेट के थ्रू यहाँ पर चेंज होते रहेंगे, वहाँ पर कोई इशू नहीं होगी। काफ़ी अच्छा फीचर है गाइस, जरूर से ट्राई करिएगा अपने Redmi Note 8 में। सो गाइस टिप नंबर 6 है हमारा, वो है यहाँ पर ऑन स्क्रीन बटन को लेकर। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर बटन्स जो हैं वो स्क्रीन में मिलते हैं, अब जो बैक का बटन है वो यहाँ पर आपको राइट में मिलता है, और जनरली क्या होता है स्टॉक एंड्रॉयड में यहाँ पर आपको लेफ्ट में मिलता है बैक का बटन। तो वो यहाँ पर आप कस्टमाइज़ कर पाएंगे, जस्ट आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्टली यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। होम स्क्रीन में जाएंगे, होम स्क्रीन में नहीं मिलेगा गाइस। यहाँ पर ये पर आप जाएंगे एडिशनल सेटिंग में, एडिशनल सेटिंग में फुल स्क्रीन डिस्प्ले में जाएंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको बटन्स, फुल स्क्रीन जेस्चर बटन या फिर मिरर बटन जैसे ही आप डिसेबल करेंगे तो देख सकते हैं गाइस बैक का बटन जो है वो आपका लेफ्ट में आ गया, और जो रिसेंट है वो यहाँ पर आपका राइट में आ गया है। और यहाँ पर आप जेस्चर भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये देख सकते हैं बैक, होम स्क्रीन, ओपन, रिसेंट, तो वो सभी ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से स्वाइप अप एंड होल्ड करते हैं तो आपका रिसेंट, स्वाइप यहाँ से करते हैं तो बैक, स्वाइप अप एंड होल्ड आपका रिसेंट, स्वाइप अप टू होम, तो यहाँ पर ये आपको कुछ जेस्चर एंड टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाता है। काफ़ी हैंडी फीचर है, ट्राई करिए अपने Redmi Note 9 Pro में गाइस। सो गाइस टिप नंबर 7 हमारा वो है यहाँ पर गेमिंग मोड को लेकर। तो यहाँ पर आपको गेमिंग मोड कोई ऐप देखने को तो नहीं मिलेगा, यहाँ पर जस्ट आपको जाना होगा सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी में जाएंगे उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं गेम टर्बो का ऑप्शन मिलता है। गेम टर्बो जैसे ही आप ऑन करेंगे आपके जितने भी गेम्स हो गए वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे तो देख सकते हैं गेम टर्बो, इन गेम शॉर्टकट्स, गेम में भी शॉर्टकट्स रहते हैं, एजेस में लाइक मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स वगैरह कर सकते हैं, मैसेज का रिप्लाई, नोटिफिकेशन, वो सभी चीज़ें आप देख पाएंगे। होम पेज ओरिएंटेशन, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल वो आप सेलेक्ट कर पाएंगे। परफॉर्मेंस मोड आप यहाँ पर चेंजेस कर पाएंगे, जो भी आप चेंजेस करना चाहें वो यहाँ पर कर पाएंगे। मेमोरी एक्सपेक्टेशन वो एक्सेप्टेशन वो भी आप यहाँ पर चेंजेस कर पाएंगे। आंसर कॉल हैंड फ्री, इनहेंस एक्सपीरियंस, टर्न ऑफ ऑटो ब्राइटनेस, टर्न ऑफ रीडिंग मोड, रिस्ट्रिक्टेड स्क्रीनशॉट जेस्चर, तो यहाँ पर देख सकते हैं जेस्चर का, अगर गेमिंग में जेस्चर का स्क्रीनशॉट हो जाता है तो वो भी यहाँ पर आप डिसेबल कर पाएंगे। डू नॉट नोटिफिकेशन सेड, तो काफ़ी चेंजेस मिल जाते हैं जिस वजह से आपको गेमिंग में डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पर पबजी का वीडियो ऑलरेडी लाइव है चैनल पर, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा फीचर है गेम बूस्टर, जैसे ही मैं ऑन करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको गेम टर्बो कुछ इस तरीके से आपका ऑन होगा गेम टर्बो। तो बढ़ते हैं अगले टिप नंबर 8 की तरफ गाइज हम। सो गाइज टिप नंबर 8 है हमारा वो है यहाँ पर क्लियर स्पीकर को लेकर। तो अगर मान लीजिए आपका स्पीकर जो है काफ़ी गंदा हो जाता है या फिर वो अच्छे से वर्क नहीं करता, तो आप ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप खुद से ही ठीक कर पाएंगे, अपने ही यहाँ पर अपने यहाँ से ठीक कर पाएंगे। जस्ट सेटिंग में जाके ऑप्शन मिल जाता है आपको, यहाँ पर एडिशनल सेटिंग में जाना होगा, एडिशनल सेटिंग में आपको ऑप्शन मिलेगा क्लियर स्पीकर का। जब ये ट्राई करिएगा तो मेक श्योर कि आप किसी और के साथ ना हो, क्योंकि ये जो है काफ़ी अनोइंग साउंड करेगा 30 सेकेंड के लिए, और काफ़ी लाउड साउंड करेगा ये गाइस, जिस वजह से आपका स्पीकर में जितना भी धूला वगैरह होगा या फिर गंदगी वगैरह धूल मट्टी, तो वो सभी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, काफ़ी एडिशनल टच है, छोटे छोटे चेंजेस किए गए। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ।
और यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी जो है वो ब्राइट वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होगी और वॉल्यूम जो है आप उसे फुल रखिएगा, आस्ते आस्ते आवाज़ बढ़ेगी, उसके बाद आपका स्पीकर जो है वो क्लियर हो जाएगा। और अब हम बढ़ते हैं टिप नंबर 9 की तरफ गाइस। टिप नंबर 9 है गाइस हमारा वो है यहाँ पर शो सजेशन को लेकर रैम स्टेटस। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका रैम स्टेटस है वो शो नहीं कर रहा है आपके लिसन पैनल में, तो आप चाहें तो इसे डिसेबल कर सकते हैं। और ये सब जो क्लीनर सिक्योरिटी स्कैन फाइंड ऐप्स वगैरह हैं इसे आप चाहें तो डिसेबल कर सकते हैं। आपको जाना होगा सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर होम स्क्रीन में देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिलेगा शो सजेशन। आप डिसेबल करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर आपके जो क्लीनर वगैरह आ रहे थे वो सभी चले गए। अब शो मेमोरी स्टेटस करेंगे तो देख सकते हैं आपकी जो रैम फ्री है वो यहाँ पर शो कर रहा है गाइस। तो ये यहाँ पर आप चाहे तो उसे कस्टमाइजेशन कर पाएंगे। और अब देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी नीट एंड क्लीन लग रहा है देखने में। 2.1 GB फ्री है, 4 GB में से रैम। और अब आ जाते हैं लास्ट टिप नंबर 10 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। सो गाइस टिप नंबर 10 एंड लास्ट टिप ट्रिक्स है हमारा वो है यहाँ पर इनकमिंग कॉल सेटिंग को लेकर। तो यहाँ पर आपको डायलर में जाना होगा, डायलर को ओपन करिए, यहाँ पर रिसेंट पैनल को प्रेस करके रहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनकमिंग कॉल सेटिंग, यहाँ पर देख सकते हैं फ्लिप टू साइलेंस रिंगर। जैसे ही आप इस तरह से फ्लिप करेंगे तो आपका फ़ोन जो है वो साइलेंट हो जाएगा, वो जेस्चर मिल जाता है क्वाइट रिंगर व्हेन लिफ्टेड। जैसे यहाँ पर आपका फ़ोन बज रहा है, जैसे ही आप उठाएंगे तो वहाँ पर साइलेंट हो जाएगा आपका फ़ोन, तो ये ऑप्शन मिल जाता है। स्क्रीन इंक्रीज रिंग टोन वॉल्यूम वो मिल जाता है। फ्लैश व्हेन रिंगिंग, जब भी कॉल आएगी तो आपका फ्लैश ऑटोमेटिकली जलेगा, तो वहाँ पर वो भी ऑप्शन मिल जाता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर को इनेबल या डिसेबल कर पाएंगे। म्यूट फर्स्ट रिंग, वो भी ऑप्शन मिल जाता है गाइस। तो काफ़ी कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं लाइक डुअल एप्स, ऐप लॉक, काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। MIUI में आपको कोई इशू नहीं होगी, कुछ ऐप्स वगैरह डाउनलोड करने की इशू नहीं होगी इस फ़ोन में। तो ओवरऑल यहाँ पर ये था एक छोटा सा वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आएगा आपको, तो लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे न्यू आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।